तो यमुना नदी के खतरे के निशान के ऊपर बह रही है दिल्ली पर, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। 9 सेकंड में देखें इससे जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली में खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। जलभराव वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के चलते दिल्ली का पुराना यमुना ब्रिज किया गया बंद। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इसे बंद किया। खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज पर डरावना मंजर लगातार बढ़ रहा है। बैराज में जलस्तर, प्रशासन ने बैराज के आसपास के इलाके में जारी किया अलर्ट। पंजाब के जालंधर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तटबंध टूटने की वजह से खेतों में भर गया पानी। कई गांवों में आई बाढ़, तटबंध की मरम्मत करने में जुटे हैं ग्रामीण। पंजाब के लुधियाना में कई गांव में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। खेत खलिहान, रास्तों पर बह रहा कई फीट पानी। घरों के भीतर पानी घुसने से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फोन पर की गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत। राहत और बचाव काम के बारे में दी जानकारी। रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है एनडीआरएफ टीम। पंजाब के रूपनगर जिले में भी हालात खराब। खेतों में भरे पानी से फसलों को नुकसान। घरों के अंदर भी पानी घुसने से लोग परेशान। मोरिंडा शहर में हर तरफ पानी ही पानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुलाई आपात बैठक। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर बातचीत। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश। अमरनाथ यात्रा पर पड़ी खराब मौसम की मार। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से आवाजाही बाधित। अमरनाथ यात्रियों के जत्थे जम्मू से श्रीनगर के लिए नहीं हो पा रहे हैं रवाना। देवभूमि उत्तराखंड पर भी पड़ रही है मौसम की मार। देखिए सैलाब संकट की खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश से बड़ी तबाही। जुम्मा गांव के पास टूट गया ग्लेशियर। नदी के बहाव बढ़ने से किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। नया बस्ती के पास बारिश के बाद गिरा मलबा। लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ी। बाल बाल बचे गाड़ी में सवार। उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ से हालात खराब। भीमवाला के पास पैदा हुई बाढ़ जैसे हालात। आबादी वाले इलाके के पास पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड की चक्रावता में आपदा की भेंट चढ़ा सरकारी इंटर कॉलेज। भूस्खलन की वजह से कॉलेज की इमारत क्षतिग्रस्त हुई। पहाड़ से आए मलबे से कॉलेज की बिल्डिंग को नुकसान। देहरादून के विकास नगर में लगातार बारिश जारी। भारी बारिश के चलते जगह जगह हुआ जलभराव। आपदा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा मॉनसून सीजन को लेकर अलर्ट पर है तमाम विभाग। अधिकारियों को मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखने के निर्देश। देहरादून में एसडीआरएफ ने किया 12 लोगों को रेस्क्यू। नदी के बीच बने टापू पर फंस गए थे लोग। बारिश की वजह से अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता हुआ बंद। पेड़ गिरने की वजह से सड़क में हुआ बहुत बड़ा गड्ढा। थनास गांव के पीछे जंगलों से निकलने वाला रास्ता भी ठप पड़ा। खराब हालत पर सीएम धामी बोले। कहा सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हर साल आपदा का करना पड़ता है इस तरीके से सामना। राजस्थान के धौलपुर में स्कूल के भीतर बारिश का पानी घुसा। मूसलाधार बारिश ने स्कूल में हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। बच्चों की पढ़ाई हुई बाधित। राजस्थान के बारा में भारी बारिश ने नदी नाले उफान पर। पुलिया पर 2 फीट से ज्यादा पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऋषिकेश के एम्स में भी भरा बारिश का पानी। एम्स के इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में भी पानी भरने से आफत। गंदे पानी में बेड पर मरीजों का हो रहा इलाज। हिमाचल के हालात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट। अनुराग ठाकुर ने लोगों को दी बेवजह यात्रा न करने की सलाह। आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। ग्रेटर नोएडा दादरी स्टेशन पर देर रात रोकी गई जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों से उतरने की अपील की। तेज बारिश होने की वजह से ट्रैक पर भरा था पानी। असम के शिव सागर जिले में बाढ़ ने बढ़ा दी है मुश्किलें। लगातार बरसात होने से हालात हुए बेकाबू। 4 जिलों में बाढ़ से 35,000 लोग प्रभावित। कुल्लू के गांधीनगर इलाके में ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया एक मकान। लगातार बारिश से बिगड़े हालात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।